sorry. This question is for the producer and director of the film. हमने सारी कास्ट यहाँ बैठी हुई है स्टेज पर ऑन योर लेफ्ट एक्चुअली आई एम हियर ऑन योर लेफ्ट इन द सेंटर आप पूरी कास्ट यहाँ है आई वॉज जस्ट वेरी क्यूरियस कि एंटरटेनमेंट की कास्टिंग कैसे हुई कि आपने बहुत सारे जो डॉग्स थे उन मतलब स्क्रीन टेस्ट लिए कुछ हुआ क्या कैसे कास्टिंग कैसे हुई कि ये डॉग प्ले करेगा एंटरटेनमेंट जब हमने डिसाइड किया कि हमको बैंकॉक में शूटिंग करनी है और डेट्स के हिसाब से तो वहाँ पर हमने ऑडिशन लिया मतलब हम लोग 8-10 डॉग्स को देखे हम लोगों ने और उसमें से सिलेक्ट किया आपको जो और उनके ट्रेनर उनके डॉक्टर्स हर जगह सब लोग उनके साथ हमेशा रहते थे तो आई थिंक वो जो सबसे हमको जो हमारी कहानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा ये सबसे बेस्ट है तो डायरेक्टरों ने उसको अप्रूव किया एंड वी सिलेक्टेड हिज नेम इज जूनियर we are calling him entertainment but he was the senior in the yeah but he was the senior the most senior in the film अक्षय ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि इस फिल्म में अभी आपने कहा कि आपका डॉग का मतलब आपके सीन्स हैं बहुत ज्यादा तो शूटिंग के वक्त कितने टेक लेने आप लोगों को मतलब आसान रहा या बहुत ही मुश्किल रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना well, इतना आसान नहीं होता है यू हैव टू अंडरस्टैंड उनका मूड यू हैव टू अंडरस्टैंड डॉग्स मूड कम्प्लीटली एंड जैसे मैंने कहा कि इट वॉज नॉट ओनली हिम देयर वर अबाउट 4-5 डॉग्स ऑफ द सेम ब्रीड बट एंड जो मतलब थका नहीं होता था आफ्टर एवरी 2 शॉट्स वी यूज्ड टू चेंज डॉग एंड वी यूज्ड टू गेट डिफरेंट डॉग्स एंड ट्राई टू गेट द शॉट आउट वट एवर वी रिक्वायर्ड एंड हार्डली दिन में करीबन 7-8 शॉट्स होते थे एंड बिकॉज वी यूज्ड टू नेवर टैक्स देम एंड जस्ट फिनिश ऑफ द शूटिंग मैन वी वुड गेट वट एवर शॉट वी रिक्वायर लेटर ऑन और जैसे इन्होंने बताया था आपको सारी शूटिंग पहले सारा जो सीन है वो हम पे पिक्चराइज हो जाता था लास्ट में उसको बुलाया जाता था एंड वी यूज टू शूट इट इज एक्चुअली हैपन्ड द सेम वे इन हे बेबी ऑल्सो व्हेन आई वाज शूटिंग विद द चाइल्ड पूरी पिक्चर मतलब पूरा सीन पहले बनता था हम पे होती थी पिक्चराइज एंड देन द बेबी यूज टू बी बॉट दैट्स इट सो दैट्स द ओनली वे टू शूट अक्षय हाउ डिफिकल्ट वाज दैट लिकिंग सीन एंड व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड इन दैट आप कैसा फील कर रहे थे कुछ नहीं अच्छा फील कर रहा था लिक्विड स्टेट कितना मतलब आपके लिए मुश्किल था ये पूछ रही हूं जी बिल्कुल मुश्किल नहीं था अगर आप किसे कहें लिख करें आपको तो आप रियलाइज करेंगी कि इसमें कोई मुश्किलात नहीं है अक्षय हम देख रहे हैं इस फिल्म में आपने एक डॉग से दुश्मनी ली है और आप उसको मार रहे हैं उसके पीछे आपने दो विलेन को छोड़ दिया है अगर हम ये कहें कि रियल लाइफ में क्या आपको किसी डॉग के साथ पंगा हुआ है किसी ने आपको काटा होता मतलब डॉग ने काटा हो कभी नहीं अभी तक नहीं काटा अभी तक नहीं पकड़ पाया आई थिंक ऐसे सवालों पे Q&A हमें काटना चाहिए ये जस्ट एक ह्यूमर वे में था आप इसे सीरियस ना ले प्लीज बिल्कुल नहीं बिल्कुल और अच्छे तो 4-5 पूछिए ऐसे फराज साजी से जाकिर मकराना एक दिन से आपने एज ए राइटर ज्यादातर फिल्में अजय देवगन के साथ हिट फिल्में दी है लेकिन एज ए डायरेक्शन में आपने अक्षय कुमार को लिया इसकी वजह नहीं सर ऐसा नहीं हमने हाउसफुल 2 की है बॉस की है काफी फिल्में अक्षय सर के साथ भी की है ऐसा नहीं है बट डेफिनेटली हर स्क्रिप्ट डिमांड करता है सर्टन टाइप ऑफ हीरो और इस स्क्रिप्ट में हम लोग को अक्षय कुमार के सिवाय कोई और दिखा नहीं सो वी अप्रोच्ड हिम एंड ही सेड यस टू द फिल्म एंड देन हिस्ट्री है जैसा कि अभी मिस गांधी ने बताया कि आप लोग का काफी पुराना एसोसिएशन है और आप लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और मैम बीजेपी के एक दिग्गज नेता भी हैं जिनकी बात शायद आला कमान नहीं डालती है पूरी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक सर्विस टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर के भी काफी बार सोच रही थी इस बार जब इलेक्शन हुए थे कई लोगों ने कहा था तो क्या इस विषय में आप कभी सरकार से पार्लियामेंट So perhaps you should address the question to them rather than somebody who's not involved in politics. Hi, Sajid Farhad. It's a good question and it should be dealt with, but you should ask your representatives to do it. Hi, this is Faridun from Bollywood Hangama. Generally, we know you as Sajid Farhad in the writing credits. Yahan par aap Farhad Sajid
आपने बहुत से डायरेक्टर्स के साथ में आपने काम किया पिछले कुछ दिनों में, बहुत बहुत ही कामयाब फिल्में रही हैं और उसमें एज राइटर्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों ने निभाया है. तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ में आपने पहले काम किया हुआ है, डिड यू गेट एनी इनपुट्स फ्रॉम देम एज सच? 100% कुछ कुछ बताएंगे उसके बारे में? एब्सोल्युटली. हम लोग ने मैक्सिमम फिल्म रोहित शेट्टी के साथ की है, जो आपको भी मालूम है, सिंघम से लेके गोलमाल सीरीज और सब कुछ. तो डेफिनेटली वी वर ऑन द सेट्स बोथ ऑफ अस, तो काफी कुछ सीखा उनसे और काफी कुछ टेक्निकलिटी सीखी है और बाकी जो खुद सीखना था वो भी सीख लिया. अक्षय, योर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द फिल्म इफ यू वांट टू से. फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, कौन सा फेवरेट डायलॉग है यार, बहुत सारी है. डायलॉग से ज्यादा आई थिंक सो द मैसेज जो लास्ट में आता है वो बोल दे, लव योर पेट्स दे विल एंटरटेन यू ऑल योर लाइफ, जो बेसिक फील है फिल्म का. थैंक यू. अ क्वेश्चन टू मनेका जी. थैंक यू. सो कैन वी टेक इट इज फॉर इंडिया. Request Mr. Tarani to kindly hand over a small token of appreciation. Do you have any favorite dog? I'm very frightened of watching animal movies in case there's been cruelty to them. So I don't have favorites. The ones that are good are really, really good. But I prefer them in animated form to real. August 2014. Alright, and this is now the opportunity for all our friends from the media to step forward for a photo opportunity. So please feel free to come and get your pictures clicked. Krishna, step in. The other frame. Can I also request the music director? Alright, ladies and gentlemen, with that, this fantastic afternoon comes to a end, and above all, remember, we all should be loving animals. With that, I'm going to call it a wrap. This is Avneet Kohli signing off.